नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। जिस तरह से कोरोना का पेशेंट लगातार बढ़ रहा है बिहार में और पटना में, बहुत तेजी से आंकड़ा बदलते जा रहा है, उसको लेकर गांधी मैदान में जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे झंडा तोलन होता है वो होगा, लेकिन उसमें कई चीज़ें जो होगी वो बदलाव किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कई आदेश उसमें जारी किए गए हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते थे अपनी झांकियाँ में शामिल होते थे, कई जो है वो अपनी कलाकृति जो दिखाते थे छोटे छोटे बच्चे, वो शामिल नहीं होंगे। कई झांकियां इस बार नहीं निकाली जाएंगी। परेड होंगे, जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी होते थे, प्रशासन के लोग होते थे, वो परेड करेंगे, लेकिन कई चीज़ें जो होंगे उसमें शामिल नहीं होंगे। जो आम लोग होते थे, झांकी देखने आते थे, उन पर भी रोक लगा दिया गया है, वो नहीं आ सकते हैं। और जो बुज़ुर्ग लोग थे, झांकियां देखने आते थे, झंडा तोलन देखने आते थे स्वतंत्रता दिवस पर, उन पर भी रोक लगा दिया गया है कि उनको भी आने की अनुमति इस बार नहीं दी गई है। और दूसरी बात यह भी है कि जो व्यवस्थाएं थी उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, और कुछ जो सुरक्षा के मद्देनज़र देखते हुए सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी और प्रशासनिक तौर पे पूरी मुस्तैदी रहेगी। तो इस बार जो कह सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना का पेशेंट बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेकर जिला अधिकारी ने कई आदेश जारी किए हैं। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं पटना के जिला अधिकारी जो रवि कुमार हैं, उन्होंने क्या कहा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, किस तरह के आदेश जारी किए हैं, आप भी सुनिए। स्वतंत्रता दिवस समारोह में जो कोविड का संक्रमण है उसको देखते हुए कुछ एहतियातन कदम उठाए गए हैं, और उसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वहां पर आम जन जो है जो बड़ी संख्या में जुटते हैं उनको वहां पर अभी वर्तमान में अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ जितनी झांकियाँ हैं, झांकियों का भी नहीं निकाला जाएगा, और इसके साथ साथ जितना भी परेड का कार्यक्रम है वह पूर्व की भांति होगा। उसमें कुछ जो बच्चे भाग लेते हैं, जो 18 वर्ष से कम रहेंगे, उनको उसमें से एग्जेम्पशन दिया जाएगा। साथ ही वहां पर कई सारे जो महानुभाव जिनको आमंत्रित किया जाता है उनकी संख्या भी सीमित की जाएगी, ताकि जो ओल्ड एज पीपल हैं या बच्चे हैं उनको संक्रमण से प्रभावित नहीं होना पड़े। और बाकी स्वतंत्रता दिवस की पूरी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है, तो पूरे धूमधाम से इसको मनाया।